होटल है रस्ता यह बात है जहाँ पकड़ के ले दी है गुमास्तन के आधा सामान नहीं है क्या और छत को डाली पूरी कर जाते दे अब वो है ना तुम होना चलो ठीक है लो भैया बादल देखे नहीं होंगे कभी देखो नीचे बादल घूम रहे हैं नीचे बादल हरिद्वार में आज घूमने आए दादा कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास। क्या महिमा है यहाँ की? यहाँ की महिमा अपरंपार है जी। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करणी हरणी सब सूला चमर जमुन्नर गंग तरंगा देख होत दुख दारिद भंगा। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरणी सब सूला चमर जमुन्नर गंग तरंगा देख होत दुख दारिद भंगा। हस तीरथ पति देख प्रयागा निरखत जन्म कोटि अघ भागा सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रभु सुदस रथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी। राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। इस जगह को हर की पौड़ी क्यों कहा जाता है? हरिद्वार में हर की पौड़ी का मतलब यह है कि राजा भर्तृहरि यहाँ पर तपस्या करने के लिए आए थे। इमानस मंदिर है राजा भर्तृहरि वो ऊपर विक्रमादित्य के भाई थे। तो जब वो खत्म हो गए तो उनकी यादगार में सीढ़ी बनाई गई भाई विक्रमादित्य द्वारा। राजा विक्रमादित्य के भाई साहब थे हाँ, जो इस पर्वत के ऊपर निवास करते भक्ति निवास करते थे हाँ, साधना करते थे हाँ, और नित्य प्रति गंगा नदी में स्नान करने आते थे। तो उनके तो लिए जो सीढ़ियाँ बनवाई थी उनके नाम पर जो है बनवाई विक्रमादित्य जी हाँ, भर्ती हट गया तो हरी पैड़ी रह गया पैड़ी माने सीढ़ी हाँ, तो हरी की पैड़ी कहलाई गई। इसके बाद में यहाँ पर ब्रह्मा और विष्णु महेश हाँ उनका वास होता है यहाँ पे। लोग आए थे ये लोग भी आए हाँ भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए हाँ, कल्याण के लिए। तो हर के आने के कारण जो है हरी की पौड़ी खेला हर की पौड़ी या हर की पौड़ी हाँ भगवान शंकर आने से हर की पौड़ी कराने लगी भगवान शंकर आने तो। क्योंकि ये कनखल जो है भगवान शंकर के ससुराल है। कनखल यहीं कहीं है हाँ यहीं बक्सल में चलेंगे ना कुछ जगह पास में है हाँ ठीक है। जय श्री राधे जय श्री राधे जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ भोले शंकर। बढ़िया जगह है।
आशीष का कुछ ज्यादा पता नहीं कहाँ पहुंच हर चीज का सिस्टम आपका बहुत सरल लगा मुझे। श्री राधे हाय हाय जय हरि हाय हरि 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 ह